हिंद भारत आपकी अपनी आवाज। नमस्कार, हिंद भारत न्यूज में आपका स्वागत और मैं हूँ आपके साथ योगेश शर्मा। सन 1947 के भारत पाक बंटवारे ने भूतों को अपनों से अलग कर दिया था। कुछ पीढ़ियां तो ये भूल ही गई होंगी कि उनके सगे संबंधी दो मुल्कों की सीमा के इस पार थे या उस पार के रहने वाले हैं। भारत पाक के बीच तैयार हुआ करतारपुर साहिब कॉरिडोर कुछ ऐसी ही पिछड़े लोगों के मिलाने का गवाह बना है। इंटरनेट पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि दो बुजुर्ग जिनके सगे संबंधी उन्हें करतारपुर साहिब कॉरिडोर लेकर पहुंचे, जब वे एक दूजे से मिले तो रुआसी हो गई, आंखों से आंसू पोंछने लगे। ये वीडियो उन्हीं बुजुर्गों का है। चाइनीज ऐप टिकटॉक पर इस वीडियो का कैप्शन दिया गया है, 1947 के बंटवारे के 74 साल बाद मिले भाई। पंजाब में आप देख सकते हैं कि बुजुर्गों को करतारपुर साहिब में दर्शन कराने के लिए लाया गया था, जहां पिछड़े भाइयों का मिलन हुआ। बताया जा रहा है कि वाकई में दोनों का 74 साल बाद मिलन हुआ है, इसलिए दोनों आपस में मिलने के बाद रोने लगे। ट्विटर पर यह वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। एक यूजर गगनदीप सिंह ने लिखा है कि ये देखिए भारत पाक बंटवारे के दौरान बिछड़े दोनों भाइयों की मुलाकात। ये मुलाकात करतारपुर साहिब कॉरिडोर में हुई है। इनमें से एक भाई पाकिस्तान में रहते हैं जबकि दूसरे भारत में, और जब दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा तो देखते ही भरी आंखों से गले मिले। वहीं बताया जा रहा है कि उनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है और उनके इस पुनर मिलन के पीछे 74 साल पहले की कहानी है, जब 1947 में भारत के विभाजन के एक भाई यहीं रह गया और दूसरा नए बने मुल्क पाकिस्तान में चला गया। उनके नाम मोहम्मद सिक्किकी और उनके बड़े भाई का नाम हबीब बताया जा रहा है। वे दोनों वर्षों पहले मुल्कों के बंटवारे के साथ अलग हो गए थे। इस वीडियो को देखकर लोग भावुक हो रहे हैं, वहीं खुशी भी हो रही है कि आखिर भाइयों का मिलन हुआ है। एक यूजर ने लिखा है कि पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब को भारत से जोड़ने वाले करतारपुर कॉरिडोर पर ऐसे ही लोगों को मिलाते देखा जा सकता है, जो 80 साल के जुड़वा जब मिले तो बहुत खुशी होती है। अब इन दोनों भाइयों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद लोग वीडियो को देखकर भावुक हो रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, जुड़े रहें हिंद भारत न्यूज के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूलें। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।